फ्रॉम मोटरवे और अभी तक हम लोग मोटरवे के ऊपर ही सफ़र कर रहे हैं। और अभी हमने कितना किलोमीटर चला दिया, हम लोग अभी तक 682 किलोमीटर चला चुके हैं। और बीच में कुछ टाइम के लिए हम लोग मुल्तान वाली साइड पे गए थे खाने पीने के लिए, क्योंकि फैसलाबाद जो जितनी भी मोटरवे उसमें वो नहीं आया ना, उसमें आराम का नहीं आई, तो थोड़ा सा आराम करने के लिए हम मुल्तान वाली साइड भी गए थे सिटी के अंदर। वहाँ पे हमने कुछ खाना पीना किया, आपने देखा अगर अभी जो चौली स्थान है वहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर है। अभी मज़ीद हम मोटरवे पे ही हैं, सुबह हो चुकी है, देखें क्या सीन है। मगर बहुत खूबसूरत का यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिला। एक आलू वाला पराठा दे दें, एक चने कर दें, एक आलू वाला नान कर दें, दूध। वेलकम टू चौलिस्तान। और अभी हम लोग चौलिस्तान के फोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। इस फोर्ट को आप अपनी वीडियोस में देखते हैं, फोटोज़ में देखते हैं, ये है वो फोर्ट, इसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। रैली का सीन थोड़ा बैड चल रहा है, मगर अभी हम कंफर्म करेंगे कि वो कब हो रही है। ये बैक साइड पे एक मस्जिद है जो काफ़ी मशहूर ज़माना है और काफ़ी कदीम भी है। अभी इस फोर्ट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये, और आप इधर के सीन्स देख सकते हैं यार, बहुत हैवी सीन्स हैं। ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और इसके स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा होता है कि यार आज कई 100 साल पहले जब ये चीज़ बनी थी तो इतनी मज़बूत बना दी गई थी। ये हमजा भाई हमारे, जी हमजा भाई, क्या नतीजा निकाला है अभी तक आपने? हैं, किस चीज़ का क्या सोच रहे हैं इस बोर्ड को देख के? यही सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए हैं रैली पे, बहुत एक्साइटेड थे। इसका सीन है ये, चेक करें आप, बहुत बड़ा किला है। मगर इस किले की जो सबसे ऊंची हाइट है, जो इसके कर्व्स बने हुए हैं, उसमें सबसे ऊंची हाइट ये वाली है। तो दूर से ये नज़र आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ जाया जाए। हाँ जी श्वेटर जी, क्या स्टोरी है रैली की, क्या स्टोरी है? आज नहीं शुरू होगी? जीप रैली तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, मगर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रैली करें।
एवरीवन। और आज का सीन थोड़ा सा डिफरेंट था। आज हम लोग सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब चोलिस्तान पहुंच गए थे, 8:30-9 के करीब। वहां से हमने लोगों ने नाश्ता किया था, आप लोगों ने देखा। मगर वहां जाके हमें आइडिया हुआ कि यहां पे तो सीन बहुत बैड है, यहां पे भी तक कोई लगुला नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास कुछ टाइम था जिसके अंदर हम लोग रहीम यार खान जा सकते थे। रहीम यार खान तकरीबन चोलिस्तान से 100-150 किलोमीटर के फासले पे है। तो हम लोगों ने उस सिटी को आज एक्सप्लोर किया। आज हम तकरीबन 12 बजे से यहीं पे, आज सुबह हम मज़ीद कुछ 2-3 जगह वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम दोबारा रैली की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, रहीम यार खान, आप जब भी आएंगे तो आपको, जब आप किसी सिटी से नॉन नहीं हैं तो आपको ज़ाहरी बात है कुछ बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जैसे हमें करना पड़ा। हमें इस सिटी के बारे में नहीं पता था। फिर लोगों से आप पूछेंगे, लोग आपको डिफरेंट तरीके से गाइड करेंगे। गूगल से आप पूछेंगे, गूगल साहब अब नहीं बताएंगे आपको, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो बेहतरीन रेस्टोरेंट है जहाँ से आप खाना खा सकते हैं और जहाँ से हमने खाया और जहाँ पर हमने रेजिडेंस ली हुई है, वो है डेजर्ट पाम रेस्टोरेंट। तो वहाँ से आप लोग खाना भी खा सकते हैं और उसके अलावा बेहतरीन किस्म का खाना है। ये देखें जी, बच्चों के काम छोड़ें, मेरी बात छोड़ें, ये इनके काम देखें, ये कन्ने के साथ खेल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने रेजिडेंस कहीं लेनी है तो वो भी वहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको उसी सिटी के अंदर डिफरेंट होटल्स मिलेंगे, वहाँ पे आप सस्ती रिहाइश ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप रात गुजारें, तो सुबह अपनी मंजिल है मकसूद की तरफ।